तो दोस्तों आज 28 फरवरी 2019 है और कल 1 मार्च 2019 है और 1 मार्च 2019 के तहत भारत में 22 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो आपको बता दें ये सभी नियम आपके बहुत ही ज्यादा काम के हैं। आपको बता दें इन सभी नियम से आपकी जिंदगी पर सीधे असर पड़ेगा। अगर आपको इन नियम के बारे में पता नहीं होगा तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़े या आपको किसी योजना का लाभ ना मिले। तो इसीलिए सभी नियम को जानने के लिए वीडियो को ध्यान से आखिर तक देख लें। साथ ही में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। चलिए सीधे चलते हैं आज के पहले नियम की तरफ। तो भारत में बैन हो सकता है पबजी। हाईकोर्ट पहुंचा 11 साल का बच्चा जो कि है वकील का बेटा। जी हाँ दोस्तों, पबजी मोबाइल गेम से तो आप परिचित होंगे। आए दिन भारत में पबजी को बैन करने की मांग चल रही है। कुछ दिन पहले ही गुजरात में पबजी को बैन कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में इसे बैन करने की मांग चल रही है। इसी के साथ आपको बता दें 11 साल का एक बच्चा जिसकी माँ वकील है वो बॉम्बे के हाईकोर्ट में पहुंचा है और उसने याचिका दायर करके पबजी को बैन करने की मांग की है और कहा है कि पबजी गेम हिंसा और साइबर अपराधों को बढ़ावा देता है। इससे बच्चे बिगड़ते हैं और इससे बच्चों में हिंसा के स्वरूप पैदा होते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जल्द ही पबजी को पूरी इंडिया में गुजरात की तरफ बैन कर दिया जाए। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं इस राज्य में सिनेमा टिकट, बियर और वाइन होगी महंगी। होने वाला है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जल्द ही सिनेमा टिकट, बियर और वाइन महंगी हो जाएगी। जल्द ही जो सिनेमा घर में टिकट है और जो बियर है, जो वाइन है, उन पर सरकार बढ़ोतरी कर सकती है यानी उनके दामों में। और आने वाले दिनों में आपको ये सभी चीजें महंगी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें ये नियम अभी सिर्फ केरल सरकार लागू करने जा रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं आयकर छूट में बड़ी राहत दी गई है। यानी जो लोग टैक्स भरते हैं उन लोगों को बड़ी खुशखबरी दी गई है। आपको बता दें अब तक जो भी भारत का नागरिक सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाता था तो उसे टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन आपको बता दें इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके जरिए करीबन 6.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों अगला नियम बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी जो हाल ही में हमारे जवानों पर हमला हुआ और जिस हमले में हमारे देश के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, उस जगह का नाम क्या है जहां पर हमला हुआ। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, बिजली बिल होगा आधा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बिजली बिलों में कटौती करने का ऐलान किया है। यहां अब 10 हॉर्स पावर तक की बिजली का उपयोग करने वाले किसानों का बिजली बिल आधा माफ हो जाएगा। इन किसानों को बिल की आधी रकम ही जमा करानी होगी। आपको बता दें फिलहाल ये नियम मध्य प्रदेश में लागू किया गया है और हो सकता है कि ये देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए और आपका भी बिजली बिल आधा हो जाए, क्योंकि सरकार इस चीज को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं आपको बता दें महिलाओं को जो भी ब्याज मिलता है उस पर पहले 10,000 पर कोई TDS नहीं लगता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। यानी किसी महिला ने अगर अपनी FD करवा रखी है और उसे हर महीने 5,000, 10,000, 20,000 या 30,000 की आमदनी होती है ब्याज द्वारा बैंक से, तो उस पर पहले TDS कटता था करीबन 5%, लेकिन अब वो नहीं कटेगा। महिलाओं से 40,000 रुपए तक कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है। अभी तक ये योजना के तहत 6 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन फ्री में दिए जा चुके हैं। साथ ही में जॉब करने वाली महिलाओं को भी खुशखबरी दी गई है। महिलाओं के लिए 26 हफ्तों की अवकाश की घोषणा की गई है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर हुआ इतना सस्ता, 1 माह में लगातार 3री बार हुई है कटौती। जी हां दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर पर और कमर्शियल गैस सिलेंडर पर सरकार की तरफ से कटौती की गई है। आपको बता दें घरेलू गैस सिलेंडर पर बीते दिन गुरुवार को 1.46 रुपए की कटौती हुई है। इस कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला सिलेंडर 493.53 रुपए का हो गया है, जो कि 494.99 रुपए का था। वहीं बात करें कमर्शियल सिलेंडर की तो आपको बता दें कमर्शियल सिलेंडर पर भी 30 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद कमर्शियल सिलेंडर 659 रुपए का हो गया है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं पशुपालकों के लिए भी बड़ी खबर आई है। मोदी सरकार ने किसान के साथ साथ मछली पालक तथा पशुपालक को भी बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। पशुपालन के लिए किसानों को ब्याज पर 2% छूट मिलेगी। साथ ही में किसान क्रेडिट कार्ड से 2% ब्याज छूट मिलेगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अलग विभाग का गठन करने का ऐलान किया गया है। दोस्तों देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं नई पेंशन योजना भी लॉन्च की गई है। आपको बता दें जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
में है, यानी जो भी गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी चीज में काम करते हो, चाहे ऑटो चलाते हो, कूड़ा बीनते हो, ठेली लगाते हो या कहीं फैक्ट्री में काम करते हो, अगर उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है तो उन्हें हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। साथ ही में 21000 रुपए मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस देने का भी ऐलान सरकार ने किया है। यानी जो भी लोग साल में सिर्फ 21000 रुपए कमाते हैं उन्हें सरकार बोनस भी देगी। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसटी के मुताबिक वाहन नीतियों में बदलाव हो सकते हैं और इस पे नए नियम लागू हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से वाहनों को लेकर भी बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इस पर खास तरह के ऑफर देगी और इस पर काफी ज्यादा छूट भी दी जाएगी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाएं, क्योंकि देश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको इलेक्ट्रिक वाहन काफी ज्यादा सस्ते मिल सकते हैं, करीबन आधे दाम में। वहीं वाहनों को लेकर ये भी खबर आई है कि जो भी वाहन सन 2000 में पंजीकृत हुए थे यानी कि रजिस्ट्रेशन हुए थे उनको स्क्रैप किया जाए और उन वाहनों को पकड़ लिया जाए, क्योंकि उन वाहनों से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी राहत दी गई है और उनके लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें, पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय फिल्मकार आसानी से फिल्मों की शूटिंग कर सकें इसके लिए एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था शुरू की जाएगी। यानी जो लोग फिल्म बनाते हैं इंडिया में उन लोगों को इंडिया में शूटिंग वगैरह करने में काफी दिक्कत होती है, उसके लिए नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। साथ ही में आपको बता दें कि जैसे ही कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका डुप्लीकेट वर्जन सिनेमा हॉल से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर चढ़ा दिया जाता है। इस पर भी सरकार एक्शन लिया है और पायरेसी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जल्दी हो सकता है आने वाले दिनों में कि आपको किसी भी मूवी का कोई डुप्लीकेट वर्जन एकाध दो दिन के बाद ना मिले। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं इस राज्य में मार्च से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, लड़कों को 300 और लड़कियों को 3500 रुपए देने का ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को मार्च महीने से बेरोजगारी का भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे बिना कुछ भी किए और लड़कियों को 3500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा हर महीने उनके बैंक खाते में बिना कुछ भी किए। आपको बता दें, इसका वादा कांग्रेस ने किया था जो कि अब पूरा होने जा रहा है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं गांव वालों को भी बड़ी खुशखबरी दी गई है और साथ ही में जो डाटा इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर भी बड़ी खबर बताई गई है। आपको बता दें, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पर जोर देते हुए अगले 5 वर्षों में 1 लाख गाँव को डिजिटल गाँव बनाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेट डाटा खर्च में 50 गुना की बढ़ोतरी हुई है, यानी अभी हाल ही में भारत में डाटा की खपत इकट्ठे 50 गुना बढ़ गई है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवा पर भी काफी जोर दिया गया है। आपको बता दें, हर आदमी को बेहतर इलाज मुहैया हो सके इसके लिए सरकार अत्याधुनिक अस्पताल खोलने की योजना पर काम कर रही है। देश में इस समय 21 एम्स काम कर रहे हैं, अब 22वां एम्स हरियाणा में खोलने की तैयारी है। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं सड़क योजना पर भी काफी ध्यान दिया गया है। आपको बता दें, सरकार ने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके तहत भारत प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 90,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद देश के ढांचे को मजबूत किया जाएगा और हर तरफ अच्छी से अच्छी सड़क हाईवे एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे ताकि सभी लोगों का सफर सुगम और आसान हो सके। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं किराए की आमदनी पर भी काफी राहत दी गई है। केंद्र सरकार ने किराए से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया है। अब तक 1,80,000 रुपए की सालाना आमदनी टैक्स छूट से बाहर थी, इस सीमा को बढ़ाकर 2,40,000 रुपए कर दिया गया है। यानी अगर किसी के पास अब साल में 2,40,000 रुपए तक किराए की आमदनी होती है तब भी उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, देश में जो अगला नया नियम लागू होने वाला है उसके तहत जैसा कि आप देख सकते हैं तो 1 फरवरी से देश में लागू हो जाएगी ये पॉलिसी। देश भर के खुदरा व्यापारियों में उत्साह है। जी हां दोस्तों, सरकार ने देश में ई कॉमर्स एफडीआई पॉलिसी को 1 फरवरी यानी कि आज से लागू करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से ई कॉमर्स कंपनियां सरकार से इस पॉलिसी को लागू करने के लिए कुछ समय मांग रही थी। वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना था कि अगर सरकार 1 फरवरी 2019 को इस योजना को और इस नियम को लागू नहीं करेगी तो हम रोड पर उतर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट बहुत ज्यादा छूट देती है उनसे देश में जो भी व्यापारी थे, जो भी दुकानदार थे, उन लोगों का बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। इसीलिए सभी ने मिलकर जोर लगाया और सरकार ने इस नियम को लागू कर दिया है। जैसा कि हमने आपको वीडियो को शुरू में बताया था उन 5 बड़ी खबरों में कि अब 1 फरवरी के बाद आपको हो सकता है कि कोई भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को ना मिले।
मिले। लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि वो भी कंपनियां बहुत चालाक हैं, किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि वो ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।